हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, में आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हमारा जो विद्युत विभव धारिता का चैप्टर चल रहा है अध्याय 2, तो बच्चों उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने स्थिर विद्युती के बारे में पढ़ा था। और स्थिर विद्युती के मतलब मैंने आपको समझाया था, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो उसमें हमने चालक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें यानी कंडीशन देखी थी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो उन बाह्य विद्युत क्षेत्र में चालक किस प्रकार व्यवहार करता है, कैसे उसके अंदर आवेश होता है, किस प्रकार से उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है या उसमें विभव कितना होता है, इन सब प्रकार की कंडीशन हमने देखी थी। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के चल रहे हैं। और जो पुराने बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि एक के बाद एक हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, और उससे उनके बोर्ड की तैयारी में बहुत फायदा मिलेगा। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई में योगदान मिलेगा। बच्चों, जो आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। एक सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पराविद्युत पदार्थ के बारे में। इसको मैंने, जो बच्चे पुराने मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में पराविद्युत के बारे में बताया था, लेकिन बच्चों धारिता में पराविद्युत बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस बार हम पराविद्युत को थोड़ा सा और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। तो पहले पराविद्युत पदार्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बच्चों उसके प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा गहराई से बातें बताऊंगा, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे वो अपना व्यवहार करते हैं, और फिर उनका जो व्यवहार हम पढ़ेंगे बेसिकली वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में पढ़ेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। कैसे भी पराविद्युत हों, जितने भी टाइप के होते हैं, उनके व्यवहार किस किस तरीके से होता है, फिर हम इनको पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पराविद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पराविद्युत पदार्थ को परिभाषित हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप फिगर से देखेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों, इसमें देखो मैंने एक धनात्मक प्लेट दिखाई है जिसपे आवेश है धनात्मक। अब बच्चों, अगर ये इसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा जिसका नाम मैंने E0 रख दिया, तो बेसिकली ये बच्चों बाह्य विद्युत क्षेत्र का काम करेगा। बच्चों, दूसरी फिगर में मैंने एक ऐसा पदार्थ दिखाया है जिसके जो परमाणु अभी उदासीन है, तो जितने उसके धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। अब बच्चों, दूसरी इसका जो बी पार्ट है उसमें हम देखें, तो बच्चों बी पार्ट में इस विद्युत क्षेत्र में मैंने इस पदार्थ को उठा के रख दिया। तो जैसे मैंने इस पदार्थ को उठा के रखा, आपने देखा ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस पदार्थ के अंदर एंटर करेगा, और जैसे विद्युत क्षेत्र एंटर करेगा बच्चों, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र बल लगाता है E×Q, और हम जानते हैं कि जो उस पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर एक परस पे जमा हो गए, और जिन परमाणु से निकले हैं वो धन आयन की तरह काम कर रहे हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों दूसरी फिगर में कि वो ऋणात्मक आवेश एक परस पे जमा है, और वो जो परमाणु धन आयन की तरह काम कर रहे थे वो दूसरे परस पे जमा होंगे। तो बच्चों गौर से एक बात देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आराम से अपने परमाणु को छोड़ के एक परस पर आ गए, किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, या ऐसे आवेश को बोलते हैं मुक्त आवेश, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये जो आवेश कहलाएगा बच्चों ये मुक्त आवेश कहलाएगा, मुक्त आवेश, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों मुक्त आवेश किसे कहते हैं, जो आराम से किसी भी बाह्य कारक के कारण अपने परमाणु को इजीली छोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों गौर से एक बात देखो, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ गया था वो मैंने E0 से दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। विद्युत क्षेत्र तो सारे ही अंदर जाएगा, पर मैंने सिर्फ एक ही वेक्टर एक ही सदिश से दिखा रखा है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। अब बच्चों जब ये ऋणात्मक आवेश उन परमाणुओं का अलग हो जाएगा और धनायन यानी धनावेश अलग हो जाएगा, तो ये एक अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगी जिसे मैंने ध्रुवित यानी पोलराइजेशन कह सकते हैं, वो उस विद्युत क्षेत्र के बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको आप दिखाना चाहूं, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये जो ध्रुवित या पोलराइजेशन वाला हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसे आप गौर से देखें तो ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल है जितना कि बाह्य विद्युत क्षेत्र। मैंने दोनों की जो लेंथ है वो सेम वेक्टर जो है उनकी सेम लेंथ दिखाई है। बच्चों इसका मतलब क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र और जो अंदर का ऋणात्मक और धनात्मक आवेश अलग होने के विद्युत क्षेत्र बना था, जिसे हम ध्रुवित विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, पोलराइजेशन विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, और जो अंदर का नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो होगा। तो ये एक फिगर आपको समझ में आती है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा पराविद्युत है और या पराविद्युत पदार्थ इसमें कौन सा है या क्या इसमें पराविद्युत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी आप सिर्फ आराम से समझो। तो ये फिगर हमें समझ में आ गई कि एक पदार्थ तो ऐसा है कि उसमें इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अपना, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र को
कंप्लीटली पूर्णतः उदासीन कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब अगर हम दूसरी फिगर पे बात करें तो दूसरी फिगर में आप देखें कि मैंने उस धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में, अगर मैं इसे भी इनोड से प्रदर्शित करूं, एक ऐसा पदार्थ लिया है जिसमें आप देखें कि जैसे ही वो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ एंटर होता है, बच्चों ये मैंने सिर्फ एक ही विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है वो अंदर दिखाई है जो आप देख सकते हैं, और ऐसे तो सारा ही जाएगा पर मैं एक दिखा रहा हूं। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एंटर होने पे उस पदार्थ के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उस परमाणु को छोड़ नहीं पाता, लेकिन उसकी तरफ कुछ आकर्षित हो गया। आप देखें थोड़ा सा उसकी तरफ आकर्षित हो गया। बच्चों जैसे ही इसकी तरफ आकर्षित हुआ है तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के जो केंद्र है थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो बच्चों अगर हम इसको दूसरी फिगर में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ई नॉट है, आप देख सकते हैं ई नॉट जो बाह्य विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है, और जो पदार्थ पहले से उदासीन था उसके ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश थोड़े से अलग हो गए हैं बच्चों, लेकिन ऋणात्मक आवेश ने अपना परमाणु नहीं छोड़ा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्रुवित हो गया और अपने अपना विद्युत क्षेत्र बनाया है जो हम ईपी से शो कर सकते हैं। बच्चों ये इतना प्रबल नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली ध्रुवित नहीं हुआ है, तो इसका वेक्टर सदिश मैंने थोड़ा सा छोटा दिखाया। तो बच्चों अगर हम देखें इस बार कि ये सदिश और ये विद्युत क्षेत्र और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत है लेकिन बराबर नहीं है, तो बच्चों जब इनको ये आपस में एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो कंप्लीटली उदासीन नहीं कर पाएंगे। तो इस बार जो अंदर का फील्ड बचेगा, उदास जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में से कुछ विद्युत क्षेत्र बचेगा बच्चों, वो जीरो नहीं होगा, यानी जो नेट विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जीरो नहीं होगा। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए कि हमने इस पूरी फिगर में क्या देखा। बच्चों जिस पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने परमाणु को छोड़ देते हैं वो बहुत ज्यादा ध्रुवित हो जाते हैं और अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, उदासीन कर देता है। बच्चों ऐसे पदार्थ को जो हम बोलते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं चालक पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे पदार्थ को चालक बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र जीरो होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ध्रुवित हो जाता है। बच्चों ऐसा पदार्थ जिसके अंदर ध्रुवण तो होता है लेकिन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से थोड़ा सा प्रबलता से जुड़े होते हैं, यानी भार नहीं आ पाते, किसी बाह्य आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र पे थोड़ा सा आकर्षित तो हो जाते हैं लेकिन बच्चों अपने परमाणु नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे पदार्थ को बच्चों जो हम बोलते हैं वो कहलाता है पैरावैद्युत। यही पैरावैद्युत कहलाते हैं बच्चों, जो आपको समझना है, पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई पैरावैद्युत रखा जाएगा वो ध्रुवित तो होगा पर इतना ध्रुवित नहीं होगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र को जीरो कर दे। बच्चों ये जो प्रक्रिया है इसकी आप समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि संधारित्र में इस पराविद्युत का, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर पराविद्युत नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक या संधारित्र ही नहीं बन पाता। तो इसकी ये वाली जो प्रक्रिया हमने पढ़ी है इसी फिगर को, बच्चों ये तो सिर्फ समझाने के लिए था क्योंकि मैं चालक और पराविद्युत में अंतर के साथ पढ़ाना चाहता था, तो अब पराविद्युत को थोड़ा सा परिभाषित करके देखें कैसे पदार्थ है। तो बच्चों ये अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक का मतलब है बच्चों इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी भी परमाणु को बाहर नहीं छोड़ सकते, इसलिए अचालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें चालक की तुलना में आवेश प्रवाह नगण्य होता है। चालक में बहुत ज्यादा आवेश प्रवाह होता है, इसमें या तो होता ही नहीं, होता है तो नगण्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा बच्चे जो खास बात है वो है, जो आपको याद रखना है कि इन पदार्थों के परमाणुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चों ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त ना होकर अपने परमाणु से परिबद्ध यानी बाउंड रहते हैं, बाउंड। बच्चों ये अपने परमाणुओं को नहीं छोड़ पाते, ये पराविद्युत की विशेषता है और जो चालक से इसे कह सकते हैं कि विभिन्न यानी उसको डिफरेंट करती है। ठीक है बच्चों, इसकी यही प्रॉपर्टी इसको अलग करती है। और बच्चों ऐसे पदार्थ कौन से हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं लेकिन मैं आपको कुछ बता सकता हूं, जैसे मोम। बच्चों इसके प्रकार हम कह सकते हैं पानी, जिसे हम कह सकते हैं वाटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं बच्चों, इसके बाद मैं कह सकता हूं अभ्रक, और ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, तो बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ के बारे में पढ़ लेते हैं इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली है बच्चों इस फिगर में। एक तो इसमें मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पराविद्युत के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त नहीं होते, वो अपने परमाणु को नहीं छोड़ सकते, वो सिर्फ किसी बाह्य क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो सकते हैं और ध्रुवित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पराविद्युत आपको सही में आ गए, इनमें कोई आवेश प्रवाह नहीं होता, चालक की तुलना में तो बिल्कुल जीरो ही होता है। तो बच्चों अब हम पराविद्युत पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के पराविद्युत प्रकार हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे पदार्थ
जिनके अणु या परमाणु अध्रुवित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अणु लिख दिया है। अगर परमाणु होंगे, जैसे निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो परमाणु बोल सकते हैं। बच्चों दूसरे परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जिन्हें ध्रुवित अणु होते हैं, जिनमें हम ध्रुवित अणु मानते हैं और उन्हें ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों हम एक एक करके थोड़ा इनमें पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा डिटेल ज्यादा है। तो सबसे पहले हम अध्रुवित के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो अध्रुवित वाले होते हैं इनमें किस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि ध्रुवण होता है। ठीक है, यही किस प्रकार से अध्रुवित कहलाते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें बच्चों अध्रुवित में, तो इसको हम पहले परिभाषित कर लें जिससे आप समझ लो, उसके बाद मैं फिगर से समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों जिन परावैद्युत पदार्थ के अणुओं या परमाणु का किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इसमें थोड़ा गौर करना बच्चों, ये जो हमारी ये स्थिति है इस पे हम बात कर रहे हैं कि अगर बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं है में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी उनके अंदर कोई द्विध्रुव आघूर्ण ही नहीं होता, तो बच्चों ऐसे पदार्थ को अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये तो बात समझ में आनी चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो इसका क्या मतलब है। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है बच्चों, तो इसका मतलब उसका ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। क्योंकि आपको पता था, हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था जिसमें माइनस और प्लस जब अलग अलग होते हैं और इनकी जो बीच की कुछ लेंथ होती है इस प्रकार, जिसे हम 2a बोलते थे, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और अगर ये है तो इसमें डाइपोल मोमेंट भी होगा, लेकिन अगर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक ही जगह पर होंगे तो कभी भी ध्रुवण नहीं होगा। तो ये तो आपको समझना है। तो बच्चों इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसमें मैं बता दूं, जैसे O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का, या एक्रिय ऐसे होते हैं जिनमें परमाणु होते हैं सिंगल परमाणु, हीलियम, नियॉन, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं जो अध्रुवित परावैद्युत वैद्युत पदार्थ के प्रकार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों इसमें मैं एक बात और नोट करवाना चाह रहा हूँ आपको, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि ऐसे परमाणु या अणु जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, उनके अंदर कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, उनके अंदर कोई ध्रुवण नहीं होता, इसको अब अभी हम डिटेल से भी समझ लेंगे, वो सब परावैद्युत अध्रुवित अणुओं में आते हैं। तो मैं आपको एक एक करके कुछ कोशिश करूंगा फिगर से समझाने की। तो बच्चों अगर मैं आपको O2 का मॉलिक्यूल ले लूं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, अगर मैं O2 का मॉलिक्यूल ले लूं, तो O2 का मॉलिक्यूल इस प्रकार से आपस में जुड़े होंगे, इसमें दो अणु हैं और दो परमाणु हैं जो एक अणु बना रहे हैं। बच्चों अगर मैं एक की बात करूं, ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसका धनात्मक आवेश कहां होगा, इसके केंद्र पर, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो हम कह सकते हैं कि निश्चितता तो नहीं होती कौन से कहां पे हैं, तो वो तो चक्कर लगा रहा है, बाहर का इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं सारे। तो बच्चों अब मैं इसकी हम कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी देर के लिए सिमेट्रिकल मान ले, सममित मान ले, तो उसके चारों तरफ होगा वो इस तरीके से। इसी प्रकार इसका धनात्मक आवेश बच्चों केंद्र पर है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन परमाणु के चारों तरफ घूम रहे होंगे। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि धनात्मक को अगर मैं दूर थोड़ी देर के लिए मिलाऊं, इस तरीके से मिला के दिखाता हूं इस प्रकार, तो बच्चों ये जो एक रेखा मिली, इसका जो केंद्र बिंदु होगा, इन दोनों धनावेश का जो केंद्र बिंदु होगा बच्चों, ये वाला, ये केंद्र बिंदु धनात्मक आवेश के केंद्र को रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रदर्शित करेगा, ये वाला अगर मैं केंद्र बिंदु दिखाऊं। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार जो बाहर के इलेक्ट्रॉन, अगर उनकी हम प्रोबेबिलिटी मान ले थोड़ी देर की, वो चारों तरफ है, तो और ये भी चारों तरफ है, तो बच्चों इस ऑक्सीजन के परमाणु का जो ऋणात्मक आवेश का केंद्र बनेगा वो भी नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा। तो इन दोनों का जो, अगर मैं इन दोनों ऋणात्मक आवेश को मिला दूं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, तो बच्चों इनका केंद्र भी कहां बनेगा, इसी बिंदु पर बनेगा, पी पर। तो बच्चों धनात्मक आवेश का केंद्र भी यहीं पर है, ऋणात्मक आवेश का केंद्र भी यहीं पर है, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ये कोई भी एक कह सकते हैं इनका ना तो ध्रुवण होगा, ना ये कोई वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चों वो जीरो होगा, ये बात आपको समझनी है। ठीक है स्टूडेंट। अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो एक इसी प्रकार बच्चों O2 का हम H2 भी दिखा सकते हैं, हीलियम भी दिखा सकते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंट वाला दिखाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब स्टूडेंट मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कार्बन का परमाणु है, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, तो वो हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखना, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, हम बॉन्डिंग पे नहीं जा रहे हैं, उनके बंद कैसे होते हैं। तो बच्चों कार्बन का परमाणु दो ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों कार्बन पे जो संयोजकता होती है वो हम कह सकते हैं धनात्मक आवेश होता है, और दोनों ऑक्सीजन पे कैसे ऋणात्मक आवेश है। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी बच्चे मेरे पिछली क्लासों में पढ़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं मुझसे, कि इस केस में अगर मैं मानूं कि इस ये परमाणु है कार्बन का,
इस प्रकार। तो बच्चों इसका जो धनात्मक आवेश होगा वो कहाँ होगा? इसके केंद्र पर। और बच्चों जो इसका ऋणात्मक आवेश होगा वो कहाँ होगा? इसके केंद्र पर, ऑक्सीजन के केंद्र पर। ठीक है स्टूडेंट। और जो इसका ऋणात्मक आवेश होगा वो कहाँ होगा? इसके केंद्र पर। इस प्रकार तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बन का ये, या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि कार्बन का जो कार्बन को अगर मैं धनात्मक आवेश की शो करूं, जो कि इस पे धनात्मक आवेश है तो वो यहाँ शो कर सकता हूँ। ऑक्सीजन भी ऋणात्मक आवेश है, निगेटिविटी लिए हुए तो यहाँ शो कर सकता हूँ। ये ऑक्सीजन का परमाणु भी निगेटिविटी लिए हुए तो यहाँ शो कर सकता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए एक बात देखो बच्चों, ये वाला जो इनका कार्बन और ये जो ऑक्सीजन के बीच में बंद है, ये एक तरीके से आप देखें ऋणात्मक से धनात्मक एक द्विध्रुव आघूर्ण को शो करता है। इसके बाद एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक इसी प्रकार ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का परमाणु भी एक द्विध्रुव आघूर्ण को शो करता है, इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप देखो दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण कैसे हैं, विपरीत दिशा में, और दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कार्बन से सेम दूरी पर और सेम प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो दोनों अगर मैं इसे P1 मान लूं, थोड़ी देर के लिए इसे P2 मान लूं, तो कैसा होगा बच्चों? P1 इज इक्वल टू P2 होगा। दोनों विपरीत डायरेक्शन में, तो ये कैसा होगा बच्चों? माइनस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ले आऊं इस तरफ मैथमेटिकली, अगर थोड़ा देखें P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इनका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? नेट डाइपोल मोमेंट यानी नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो गया। तो हम देखते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है या जो अणु है उसका भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ बच्चों जिनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, बच्चों इसको याद रखो बस आप लोग, जिनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है वो सब पदार्थ अध्रुवित अणुओं के बीच में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम ध्रुवित अणु के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे पैरा विद्युत जिनके अणु ध्रुवित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखें, अब पहले इसको भी परिभाषित करेंगे फिर इसको फिगर से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों ऐसे पैरा विद्युत पदार्थ जिनके अणुओं का नेट द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बच्चों मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है, आगे आगे हम बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में भी व्यवहार पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसे देख लें। तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य नहीं होता है, यानी उनके पास कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होता है। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, यानी वो एक उनके अणु एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं। ठीक है, अणु की बात कर रहा हूँ बच्चों। अध्रुवित पदार्थ कहलाते हैं, और इनमें कौन कौन से होते हैं ऐसे पदार्थ अध्रुवित कहलाएंगे, और उनके जो एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं HCl है, NaCl है, और इसमें वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, वाटर को भी मैं अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, और HCl। ठीक है, NH3, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास अणु मिलेंगे जो अध्रुवित अणुओं को शो करते हैं। इसमें सबसे बच्चों पहले मैं HCl के बारे में बात करता हूँ। HCl में अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो H पे जो है धनात्मक होती है, जो इसकी वैलेंसी है तो धनात्मक आवेश है, क्लोरीन जो नेगेटिविटी लिए हुए तो क्लोरीन पे क्या है ऋणात्मक आवेश है। अब बच्चों अगर दोनों के अणु एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं जब धनात्मक ऋणात्मक आवेश किसी दूरी से जुड़े होते हैं तो वो एक द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं या एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चों ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की तरफ होगा, 0 नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा अणुओं के रूप में देखते हैं बच्चों, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु है थोड़ा बड़ा होता है और हाइड्रोजन का परमाणु बहुत छोटा है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एक क्लोरीन का परमाणु दिखाया और हाइड्रोजन का परमाणु दिखाया। बच्चों क्लोरीन जो है नेगेटिविटी लिए हुए है, इसमें ऋणात्मकता है, और जो हाइड्रोजन का परमाणु है इसमें धनात्मकता है। तो बच्चों दोनों के जो ऋणात्मक और धनात्मक केंद्र है वो दोनों के बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल भी पास पास नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एक का जो साइज है वो छोटा है और एक का साइज कैसा है बड़ा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का जो ऋणात्मक आवेश है और हाइड्रोजन के धनात्मक आवेश की तरफ एक विद्युत द्विध्रुव बनता है, जिसके से उनके पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है। तो बच्चों ये भी ध्रुवित अणुओं में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों थोड़ा सा हम वाटर के यानी पानी का मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे कि ये किस प्रकार से एक द्विध्रुव आघूर्ण को शो करता है। तो बच्चों इसमें मैंने आपको इसके मॉलिक्यूल में अणु दिखाए हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से बड़ा होता है। बच्चों वाटर के जो पानी का जो अणु होता है उसमें ऑक्सीजन ऋणात्मकता लिए हुए है और दोनों हाइड्रोजन धनात्मकता लिए हुए हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों का साइज कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इनके ऋणात्मक और इनके धनात्मक कभी भी आपस में एक साथ नहीं आ सकते। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें कि ऋणात्मक और हाइड्रोजन ये दोनों एक दूरी पर है, और ये ऋणात्मक और ये हाइड्रोजन ये भी एक दूरी पर है, तो बच्चों ये ऑक्सीजन का परमाणु और ये हाइड्रोजन एक अलग विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं,
और ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु अलग द्विध्रुव बनाते हैं, तो इनके पास भी द्विध्रुव आवरण है और उनके पास भी द्विध्रुव आवरण है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं दोनों द्विध्रुव आवरण किसी कोण पर आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इनका जो नेट द्विध्रुव आवरण होगा वो किस तरफ होगा, तो हम इसमें अगर वेक्टर का सदिश योग लगाएं जो हम 11वीं में पढ़ते हैं, तो बच्चों को इस तरफ होगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों इनके पास कोई ना कोई नेट द्विध्रुव आवरण होता है, वो जीरो नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि पानी या वाटर के मॉलिक्यूल में भी नेट द्विध्रुव आवरण शून्य नहीं होता। बच्चों इसमें खास बात है कि हम कहीं भी विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ रहे, यानी ये सब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, जो ध्रुवीय तरंग होते हैं उनका जो द्विध्रुव आवरण होता है बच्चों वो स्थायी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वो स्थायी द्विध्रुव आवरण होता है पहले से ही। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, बच्चों मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूँ जो ध्रुवित ऐसे प्रावैद्युत जिनके अणु ध्रुवित होते हैं उनमें खास बात यह होती है कि अगर उस पूरे किसी उस प्रावैद्युत पदार्थ के किसी टुकड़े को लिया जाए, तो बच्चों अगर हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य है, हमने यानी अनुपस्थित है, तो उनका हर अणु ध्रुवित होता है, लेकिन सारे अणु इस प्रकार से अव्यवस्थित होते हैं कि पूरे पदार्थ का, अगर पूरे पदार्थ की बात करें तो उस पदार्थ का जो नेट डाइपोल मोमेंट है बच्चों, यानी उसका जो नेट द्विध्रुव आवरण है बच्चों, वो शून्य ही रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कैसे करते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं एक का द्विध्रुव आवरण अगर इस दिशा में होगा तो दूसरे का द्विध्रुव आवरण बच्चों किस दिशा में होगा, वो इस दिशा में होता है इस प्रकार, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक का द्विध्रुव आवरण अगर इस दिशा में है तो दूसरे का द्विध्रुव आवरण इस दिशा में है, तो सब एक अणु के ध्रुव जो आवरण है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और पूरा पदार्थ अभी भी हम कह सकते हैं कि उदासीन ही रहता है, उसका कोई भी द्विध्रुव आवरण नहीं होता है। तो ये आपको समझने वाली बात है कि हर अणु ध्रुवित है लेकिन पूरा पदार्थ अभी भी ध्रुवित नहीं हुआ है, उसका डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। तो बच्चों ये जो हमने अध्रुवित और ध्रुवित परमाणुओं के या अणुओं के बारे में समझा है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब इनका सबसे बड़ा उपयोग देखेंगे बच्चों की जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो क्या होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और संधारित्र में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार। ठीक है बच्चों, इसमें हम पहले अध्रुवित के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह, फिर उसका ध्रुवित पढ़ेंगे। बच्चों इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई ऐसा पदार्थ लिया है जो अध्रुवित है और बाहर कोई धनात्मक आवेश लिया है जिससे मुझे बाह्य विद्युत क्षेत्र मिल पाए, जैसे मैंने इनोड से शुरू किया है। बच्चों आप इसमें ध्यान से देखें कि जो अध्रुवित पदार्थ का जो अणु है या परमाणु है उसका जो ऋणात्मक आवेश है बाह्य विद्युत क्षेत्र की आकर्षण की वजह से वो थोड़ा सा आकर्षित हो चुका है धनात्मक, यानी उसका केंद्र धनात्मक आवेश के नाव पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है और हर अणु अब एक तरह से अपना द्विध्रुव आवरण रखता है। बच्चों अब इस सबका द्विध्रुव आवरण है इस प्रकार, इसका भी एक द्विध्रुव आवरण होगा, इसका भी एक द्विध्रुव आवरण होगा, इसका भी द्विध्रुव आवरण होगा, हम ये कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें जो ऋणात्मक आवेश है वो अलग होकर अपना द्विध्रुव आवरण बनाता है और अब इसमें हम ध्यान से देखें हर अणु ध्रुवित हो चुका है लेकिन बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में। बच्चों इसमें थोड़ा सा गौर करके अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूं थोड़ी देर के लिए, आप इसे इस प्रकार देखें, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से आपको समझना है। बच्चों हर अणु का जो धनात्मक आवेश है वो दूसरे अणु के ऋणात्मक आवेश से उदासीन हो जाएगा, आपको इस तरह से समझना है। इस अणु का जो धनात्मक आवेश है वो अगले अणु के ऋणात्मक आवेश की वजह से उदासीन हो जाएगा। तो बच्चों इस वाले जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बाद वाला प्रश्न है, उसमें क्या बसता है, उसमें हम देखेंगे कि पहले वाले प्रश्न पे ऋणात्मक आवेश बसता है, बाद वाले प्रश्न पे धनात्मक आवेश बसता है और बीच के सारे अणुओं के जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है वो एक दूसरे को उदासीन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स अब इसमें देखें कि उस फिगर से अगर हम इस फिगर को देखें तो उस बीच के सारे अणुओं के ऋणात्मक धनात्मक आवेश कैंसिल आउट हो गए थे, तो सबसे पहले प्रश्न पे हमें ऋणात्मक आवेश मिला और सबसे बाहर वाले दूसरे प्रश्न पे हमें धनात्मक आवेश मिला, तो हम कह सकते हैं कि वो जो परावैद्युत पदार्थ है जिसके अणु अध्रुवित थे वो ध्रुवित हो चुके हैं और उन्होंने अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लिया है, क्योंकि जिसके पास विद्युत द्विध्रुव आवरण होगा या जिसके ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश अलग हो चुके होंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, उनका अपना विद्युत क्षेत्र बन जाता है
और लेकिन वो विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में ज्यादा नहीं होता, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं होता। तो मैंने एक को ज्यादा सदिश वेक्टर दिखाया, एक को छोटा सदिश वेक्टर दिखाया। तो बच्चों जब हम इसका नेट विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो जो नेट विद्युत क्षेत्र बनता है बच्चों, वो बनता है बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस जो ध्रुवित वाला विद्युत क्षेत्र बना है वो। तो इसके पर हम कह सकते हैं कि अब नेट विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता, समझ में आई बात? क्योंकि बच्चों ईपी जो है हमेशा ई नॉट से छोटा ही होता है, परावैद्युत पदार्थ की ये विशेषता है। तो आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह किस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश अध्रुवित अणु जो है ध्रुवित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों हम थोड़ा ध्रुवित के बारे में देखेंगे कि ध्रुवित जो अणु होते हैं उनमें किस प्रकार से नेट द्विध्रुवागुण उत्पन्न होता है। बच्चों तो हमने पिछली अभी फिगर में देखा था कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र जीरो है शून्य, तो ध्रुवित परावैद्युत जो होते हैं उनका हर अणु ध्रुवित हो चुका होता है, उनके पास अपना डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन बच्चों वो आप देख सकते हैं अव्यवस्थित होता है, हर द्विध्रुवागुण आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी का द्विध्रुवागुण इस दिशा में है, किसी का इस दिशा में, किसी का इस दिशा में, तो सबके द्विध्रुवागुण आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेट जो द्विध्रुवागुण है बच्चों वो शून्य है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम कोई विद्युत क्षेत्र लगा दें यहाँ पे मैं इससे थोड़ा डिफरेंट फिगर दिखा रहा हूँ। तो अगर हमने कोई विद्युत क्षेत्र दिखाया यहाँ पे जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है बच्चों, तो उस समय आप क्या होगा, हमने पढ़ा था बच्चों पिछली क्लास में जिन्हें याद होगा कि अगर कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क यानी बलागुण लगता है, वो बलागुण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा लाने का प्रयास करता है द्विध्रुव को। तो बच्चों हर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बलागुण का अनुभव करेगा, जिसके वजह से हर अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उस पर एक बलागुण लगाएगा जो अपनी दिशा में लगेगा। तो आप देख सकते हैं सारे अणु जिन पे अपने अपने द्विध्रुव थे सब विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गए, और सबके द्विध्रुवागुण अगर हम देखें तो एक ही दिशा में, और इस पर नेट जो द्विध्रुवागुण है बच्चों बहुत प्रबल हो जाता है, ध्यान रखना वो अब जीरो नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो हम देख चुके हैं कि कोई ध्रुवित अणु का जो पदार्थ है कैसे बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में वो ध्रुवित हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट उसका बहुत प्रबल हो जाता है, यानी अब उसका नेट डाइपोल मोमेंट नेट विद्युत आघूर्ण वो जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो बच्चों दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम संधारित्र में यूज करेंगे, आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले से ही अणु ध्रुवित हो चुके होते हैं, लेकिन सारे अणु मिलकर एक दूसरे का द्विध्रुवागुण उदासीन कर देते हैं, बस उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाते हैं, इसलिए उनका द्विध्रुवागुण बहुत प्रबल हो जाता है, क्योंकि द्विध्रुवागुण एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो सारे वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो वेक्टर ऐड हो जाते हैं, यानी सबका सदिश योग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों ये जो आज की क्लास थी मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहता हूँ, परावैद्युत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अध्रुवित और ध्रुवित दोनों प्रकार के जो अणु के व्यवहार हैं बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में आपको समझ में आने चाहिए, और इसका उपयोग हम सबसे ज्यादा करेंगे संधारित्र में। तो बच्चों जो अगली क्लास होगी उसमें हम संधारित्र स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।